देवघर तिलक सेवा समिति की ओर सूचना भवन में देवघर रतन सह सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022 का आयोजन किया गया। वहीं विजय प्रताप सनातन संजीव परिषद सहित अन्य नागरिकों को देवघर रतन सह सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। समाज अच्छे काम करेंगे तो समाज आपको सम्मानित करेगा और कि हम भी कोई इस तरह का काम करें जिस क्षेत्र में जो बहुत बड़ा हो कन्वास है, ये सामाजिक जीवन में उसकी स्तर को बढ़ाने के लिए आपका जो भी योगदान हो सकता है उतना अगर आप दे रहे हैं तो इसका रिकॉग्निशन ये तिलक सेवा समिति कर रही है, ये अपने आप में बढ़ता है। वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य पर 5 रत्नों को हम लोगों ने तिलक सेवा समिति की ओर से विभूषित किया, सम्मानित किया, ताकि आने वाले लोग उत्प्रेरित हों, मार्गदर्शित करें, इसे आगे बढ़े, देवघर का नाम रोशन करें, झारखंड का नाम रोशन करें। आपने अभी जो कहा गया यहाँ पर जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उन सबके लिए क्या, उसका अभियान आज से शुरू हो गया। कोई भी गरीब बच्चे अगर कह दे उसके माता पिता का बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं, अगर समिति में अपना नाम लिखा दे, हमारी टीम जाएगी, जाँच करेगी, सही में वो हकदार है, उसको मिलेगा। 8वां समारोह है जिसमें आप देखें कि 5 रत्नों को सर्वोच्च सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया और यह सेवा क्षेत्र में भी तिलक सेवा समिति काम कर रही है और करती रहेगी। और आज जैसा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि वैसे गरीब बच्चे जिनको उनका माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं या वैसे गरीब बच्चे जिनका शादी करने में दिक्कत हो रहा है, ये समिति का निर्णय है कि हम लोग वैसे लोगों को खोज करके हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। और समिति का जो मूल उद्देश्य है आपने सुना है कि आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, उसे हासिल करने या उस मुकाम को हासिल करने में हम लोग एक ऐसी समिति है जो समाज में सभी का प्रेरणा स्रोत है। वह हर साल एक ऐसा दर्शन करती है जिसे समाज के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में या कहीं भी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करती है। इससे समाज में भी प्रोत्साहन बढ़ता है, दूसरे भी प्रोत्साहित होते हैं, करने वाले तो प्रोत्साहित होते हैं। मैं तिलक सेवा समिति के सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ और उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ हर साल इस ट्रांसफॉर्म को। धन्यवाद।